नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर CWC की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो 11 बजे ये मीटिंग शुरू हुई है जो अभी चल रही है, जहां पर ये मंथन चल रहा है, ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो सवाल भी यहां पर इस बैठक के साथ यही खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कितना वक्त यहां पर और लगेगा कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष जो है चुन लिया जाएगा। ज्यादा चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं मिहिर जी का। मिहिर जी, क्या कयास हैं और कौन कौन से नाम जो कहीं ना कहीं दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं? चार नाम इसमें बहुत आगे चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है आगे वो है मुकुल वासनिक का। उसके अलावा सुशील कुमार शिंदे का नाम भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम है और अशोक गहलोत का भी नाम है। इन सब नेताओं के अपने अपने बेटे हैं। खासतौर से अशोक गहलोत की अगर बात करें, गहलोत का अपना कद है, उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां पहले भी डाली गई हैं और उनका एक प्रदर्शन, एक बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा माना गया है। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो वो सरकार में जिम्मेदारी निभा चुके हैं और ऐसे भी संगठन में उनकी जिम्मेदारी अहम रही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा तबका है जो मांग कर रहा है कि प्रियंका गांधी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 21 साल के बाद क्या कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई बनेगा? क्या सच में ऐसे हालात आ गए हैं? लेकिन जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं की बात करें, कांग्रेस के एक बड़े नेता और मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो उनका कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को, युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। और एक दूसरा तबका यूपी का है, वो लॉबी भी पैरवी कर रही है प्रियंका के नाम की। तो ये बड़ा एक उलझा हुआ मामला है, इसमें किसके नाम पर सहमति बनती है, किसके नाम पर नहीं बनती है, ये कहना मुश्किल है। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस तैयार है इस बात के लिए कि बगैर गांधी परिवार के साये के वो अपने पार्टी को आगे बढ़ा सके, ये एक बड़े सोचने की बात। ये क्या लगता है कितना वक्त होगा, क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका है कि कब कोई नया अध्यक्ष यहाँ पर बनेगा और ऐसे में कहा जाए कि पार्टी का कैप्टन ही नहीं है तो पार्टी डगमगा रही है, रास्ता कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो कितना वक्त और लग सकता है? निश्चित रूप से देखिए, तीन राज्य विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं और तीनों ही राज्य अहम हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। उसके अलावा बहुत संभावना है कि दिल्ली में चुनाव हो जाए। ऐसे वक्त में पार्टी के पास कोई रणनीतिक ढांचा बनाने के लिए कोई अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी खुद को पहले ही अलग कर चुके हैं इस बात से। प्रियंका गांधी अभी भी बैक डोर से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स रही है उसमें खुल करके सामने नहीं आना चाहती हैं, या जो कुछ भी दबाव दूसरे तबकों की तरफ से हो, तो ऐसे में पार्टी के पास भाजपा के विकल्प के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि जिस तरह की एग्रेसिव नीति बीजेपी अपनाए हुए है उसमें कांग्रेस को किसी एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो वाकई में बीजेपी के लेवल पे उस पे जवाब दे सके, मुकाबला कर सके, जो फिलहाल कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो बीजेपी को टक्कर दे सके ऐसा कोई चेहरा यहाँ पर होना चाहिए, जिसको लेकर चर्चाएं कई दिनों से चल रही है। आज भी ये अहम बैठक इसलिए बुलाई गई कि आखिरकार इस पर कहीं ना कहीं निर्णय जो है, स्टैंड जो है वो पार्टी ले ले। हालांकि इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 दिन का महज यहाँ पर अभी वक्त और भी लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 5 ग्रुप हैं यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। केसी वेणुगोपाल को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर एक नेता से चर्चा करें और टटोले कि आखिरकार वो किस चेहरे पर अपना विश्वास जताता है। तो देखना होगा कि अभी और कितना वक्त लगता है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया जाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।